खबर है कि अखिलेश यादव अपनी सेफ सीट कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं ताकि लोकसभा चुनाव में कन्नौज पर कम मेहनत उन्हें करनी पड़े और बाकी राज्य में धुआंधार प्रचार कर सके। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने अखिलेश को फंसा दिया है और अब सीएम योगी का कैलकुलेशन अखिलेश पर कैसे भारी पड़ रहा है। चुनाव में उतरने से पहले ही कैसे अखिलेश की संभावित हार की चर्चा होने लगी है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो जितना भरोसा यादव समुदाय पर करते हैं उतना ही मुसलमानों पर। कन्नौज पर भी अखिलेश उसी तरह विश्वास कर रहे हैं, मगर 24 के चुनाव में सीएम योगी ने ऐसा ट्रायंगल तैयार किया है कि अखिलेश उसमें बुरी तरह फंस गए। लखनऊ से पटना और पटना से लखनऊ 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी अखिलेश की टेंशन कम नहीं हुई। अखिलेश परेशान है या फिर दबाव में या फिर योगी के समीकरण में उलझ गए, डिटेल वाइज इनसाइड स्टोरी समझिए। अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने कन्नौज के अपने पदाधिकारियों को बकायदा अलर्ट भी किया है। अखिलेश चाहते हैं कि उनके नाम के अनाउंसमेंट से पहले कन्नौज के पब्लिक के बीच एक सर्वे कराया जाए। अखिलेश यादव ने अपने स्थानीय नेताओं को भी इसके लिए फोन किया है। कयास लगाया जा रहा है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की चौथी लिस्ट आ सकती है जिसमें अखिलेश यादव का नाम भी कन्नौज से हो सकता है। अखिलेश यादव विधानसभा में ही रहेंगे या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? राजनीति यह कहती है दोनों जगह टांग रखी है। तो दोनों जगह टांग हो सकता है, दोनों जगह हूँ। तो कौन सा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? अभी नहीं बताएंगे, बाद में तय करेंगे। बहुत हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो फिर तय है कि अब अगली मुलाकात दिल्ली में नई पार्लियामेंट में होगी? मुझे नई पार्लियामेंट अच्छी नहीं लगी। तो अब जाना तो वही है, अगर चुनाव आएगा तो। अभी तय नहीं करेंगे, चुनाव का तारीख आएगी तब तय करेंगे। कन्नौज में दलित, मुस्लिम और यादवों का दबदबा माना जाता है। 18 लाख वोटर्स में 385,000 दलित हैं, 290,000 यादव और इतने ही मुस्लिम मतदाता हैं, 270,000 ब्राह्मण और 180,000 राजपूत वोटर्स हैं। अखिलेश को लगता है कि जिस यादव प्लस मुस्लिम इक्वेशन से कन्नौज का किला मुलायम फैमिली जीतती आ रही है, 2024 में कुछ वैसा ही हो सकता है। हालांकि अखिलेश कन्नौज को अपने लिए जितना सेफ मान रहे हैं, सीएम योगी सुब्रत पाठक के जरिए उसे उतना ही टफ बना रहे हैं, क्योंकि 1989 से लेकर अभी तक कन्नौज में 9 चुनाव जिसमें 7 बार यादव कैंडिडेट की जीत, 2 बार बीजेपी के नॉन यादव वोटर्स ने जीत हासिल की, 1 बार मुलायम सिंह, 2 बार अखिलेश यादव और 1 बार डिंपल यादव इस सीट से जीत चुकी। मगर मोदी के आने के बाद से कन्नौज के समीकरण बदल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव इस सीट से हार चुकी है। 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक को 49.35% वोट मिले थे, जबकि डिंपल यादव 48.27% वोट पा सके। इसमें मायावती के वोटर्स का भी बड़ा हिस्सा। 2014 में भी सुब्रत पाठक और डिंपल के बीच करीबी फाइट रही थी, तब सुब्रत पाठक डिंपल के 27.04% वोटों के मुकाबले 25.94% वोट लाए थे, यानी हार जीत का मार्जिन सिर्फ 19,907 वोट। बीजेपी ने इस बार भी कन्नौज से सुब्रत पाठक को ही टिकट दिया है, मगर अपोजिशन में कैंडिडेट बदल गया है। डिंपल की जगह सुब्रत पाठक के सामने होंगे खुद अखिलेश यादव। बहुत जल्दी तय हो जाएगा सब। अब बीजेपी की सूची देखिए आप, क्या सूची है वो जो सब हारने वाले हैं। ये उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता है, वो चाहे यहाँ से लड़े। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज से टिकट दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कन्नौज से चुनाव लड़ूंगा। अब दूसरे दल से कौन आता है इससे मुझे क्या लेना है। जिस कन्नौज से अखिलेश ने साल 2000 में राजनीति का ककहरा सीखना शुरू किया, पत्थर से तो ईंट गुलगुली नारा जिस कन्नौज में देकर चुनाव जीता था, क्या वहाँ अखिलेश तीसरी बार जीत पाएंगे? वो भी तब जब कन्नौज का वोटर ये बात अच्छी तरह जानता है कि 2019 में अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़े मगर बाद में विधानसभा के लिए सांसदी छोड़ दी। सवाल बहुत है, जवाब यादव वोटर्स को देना है, क्योंकि अगर अखिलेश का कैलकुलेशन बिगड़ा तो योगी के दांव में बुरी तरह उलझ जाएंगे। मेरा मानना है कि जहां से लड़े वहां की सीट मत छोड़ें, क्योंकि पब्लिक वोट चेहरा देख के देती है, चाहे हमारा हो चाहे उनका हो। अगर किसी के लिए कोई दिक्कत परेशानी है, आप वहाँ लखनऊ बैठे हो, हम लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, तो ये भी सही नहीं रहता। नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको संग में लेके चले, छोटा बड़ा मत देखे। पहली बार डर था कि मैं चुनाव लड़ूंगा कन्नौज आजमगढ़ से, कन्नौज से उनकी हार की सुनिश्चित, मतलब उनको हारना ही था,
वो तो 14 में क्या हुआ वो बेईमानी हुई वो तो सबको दिखा था। इसी डर से उन्होंने आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ा था, उनको डर था इसी की वजह वो आजमगढ़ जाना चाहते। कन्नौज में माने सुब्रत पाठक जी बहुत ही मजबूत व्यक्ति कैंडिडेट है। जनता हम तो कहते हैं उनको खदेड़ेगी इस बार, बहुत अच्छी तरीके से खदेड़ेगी। कन्नौज से तो हम लोग उनकी छुट्टी पार्टी की छुट्टी करने वाले इस बार। जिन यादव बहुत सीटों पर कभी समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, वहां सीएम योगी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते कुछ सालों में कन्नौज के कई दौरे कर चुके हैं। कन्नौज से सटे कानपुर में भी अलग अलग वक्त पर मीटिंग्स कर चुके हैं। उनका फोकस हमेशा इसी बात पर रहता है कि सैफई परिवार का दबदबा किसी तरह यहां से खत्म किया जाए। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कन्नौज से 122 किलोमीटर दूर लखनऊ में यादव मंच में शामिल हुए और फिर कन्नौज से 275 किलोमीटर दूर अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। ये बीजेपी की वो स्ट्रेटजी है जिसमें टारगेट पर सिर्फ कन्नौज ही नहीं यूपी के 9% यादव वोटर्स भी। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 27% यादव वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया था, जबकि 2019 में 23% यादव बीजेपी के साथ खड़े रहे। 19 के चुनाव में बीजेपी 10 यादव बहुत सीटों में से 8 जीतने में सफल हो गई थी। बाद में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई, यानी मैनपुरी को छोड़कर कोई भी यादव सीट अखिलेश यादव के पास नहीं। हमारी पार्टी ने कभी ये सोचा नहीं है, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता हूँ वहाँ हमारे समाज के 500 वोट नहीं है और हम वहाँ विधायक भी है, आज मंत्री मुख्यमंत्री बनते हुए यहाँ तक आए हैं। तो ये उदाहरण इस बात के लिए कि समाज में जातिवाद की बात न करके योग्यता की बात होना चाहिए और मैं उस पार्टी में आता हूँ जो इस योग्यता को आगे बढ़ाती है, और ऐसे में जहाँ जिसकी जैसी योग्यता वो वैसा सोचना चाहिए। सीएम योगी कॉन्फिडेंट है और अखिलेश के लिए 24 की डगर काफी मुश्किल होती जा रही, वजह है मुस्लिम वोटरों के छिटकने की संभावना। यूपी की 20% मुस्लिम आबादी में से 58% ने अखिलेश की पार्टी को 2014 के इलेक्शन में वोट दिया। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर बीएसपी के गठबंधन के साथ 73% पहुंच गया था। 24 के चुनाव में अखिलेश इसी तीसरी फैक्टर से आस लगाए हुए थे, मगर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने आयन इलेक्शन से पहले अटैक करना शुरू कर दिया। पिता मुलायम सिंह ने जो बुनियादें रखी थी वो बुनियादें थी सबको मिला करके चलना, सबको साथ में लेके चलना, सबको नजरअंदाज किसी को न करना, ये उनकी पहचान थी। और इस पहचान को अखिलेश यादव ने खो दिया है। जब से वो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो बराबर मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये नजरअंदाज करना उनके लिए लोकसभा की चुनाव में घातक साबित हो सकता है। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी पश्चिमी यूपी के बरेली से आते हैं और इस पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी 26% के आसपास है। बरेली से फिलहाल बीजेपी के संतोष गंगवार सांसद हैं। 28% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर समाजवादी पार्टी को 2019 में 37.23% वोट मिला था। जिस मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी उससे 51% मुस्लिम बहुल सीट पर एसपी को 50.65% वोट मिले। 2019 में समाजवादी पार्टी ने जब रामपुर सीट जीती तो 50% मुस्लिम वोटर्स वाली इस लोकसभा इलाके में 52.69% वोट अखिलेश के कैंडिडेट को मिले। अंदाजा लगाइए बरेली से लगने वाले इन जिलों में अगर मुस्लिम मतदाता अखिलेश से टूटकर बीएसपी या फिर बीजेपी की तरफ झुके तो फिर 24 का रिजल्ट अखिलेश के लिए कितना सदमा भरा रहे, इस बात को सीएम योगी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए लखनऊ से उन्होंने यूपी के यादव और मुस्लिम वोटर्स को मैसेज दिया कि उनकी सरकार वादों में नहीं रिजल्ट में यकीन करती है। बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते रहे, रिजल्ट क्या है अंत में, कितना भी बोले कि मैंने ये किया मैं वो कर सकता था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पर ही यस निर्भर करता है कि उनके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक थे या नहीं थे। अखिलेश के लिए 24 का चुनाव डू एंड डाई की सिचुएशन वाला। पहला चैलेंज कन्नौज से चुनाव लड़े तो अपनी हार से बचना, और दूसरा चैलेंज है यूपी में समाजवादी पार्टी के 5 सीटों के आंकड़े को बढ़ाना। अगर इसमें सफल हुए तो अखिलेश की साख बच सकती है, वरना योगी ने बीजेपी की 80 और सपा का सफाया करने का संकल्प लिया, और वैसे भी योगी ने ऐलान कर दिया है हमने जो कहा उसे करके दिखाया है और जो कहेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।